में स्वागत है क्लास 9। आई थिंक आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे थॉमस एकेडमी ऑनलाइन क्लास को, और आपने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े होंगे ऑनलाइन क्लास से वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज बच्चों आपके लिए बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। आज आपको बताएंगे कैसे हमारी बॉडी फॉर्म होती है, कौन ऐसा फैक्टर है जो पूरी बॉडी को बिल्ड करने में हमारी मदद करता है, कैसे आप छोटे थे और इतने बड़े होते चले जा रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या कारण है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से आप जब समझ जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सेल को समझने से पहले आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, जैसे आप अभी आप अपने घर में बैठे हो, घर देख रहे हैं किससे बना हुआ है, कई सारे आपके घर में कमरे होंगे और अगर कमरे को आप देखें तो कमरे के चारों तरफ दीवारें हैं, यानी कमरे किससे मिलकर बने, दीवारों से मिलकर बनी है, और दीवार किससे मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर बनी है। एक दीवार को अगर आप देखें तो कई सारी ईंटें लगी हैं और इस तरह कई सारी वॉल्स हैं, बहुत सारी ईंटें हैं, यानी इसका मतलब यह है कि ब्रिक्स जो है इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस, यानी अगर ब्रिक्स ना हो तो ये घर जो आप जिसमें रह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। वैसे आपकी बॉडी है बच्चों, बॉडी आप देख रहे इतनी बड़ी बॉडी है, इसको बनने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की जरूरत है और ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द सेल, इट इज अ मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द सेल, यानी इसका मतलब है कि सेल से ही हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है। कोशिका, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, कोशिका के द्वारा ही हमारा जीवन अस्तित्व में आता है, ठीक है बच्चों। सेल को अगर हम डिफाइन करें तो सेल को हम इस तरह से डिफाइन करें, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में बात करें तो कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसी भी जीवन की, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके बॉडी का हर एक ऑर्गन एनिमल का और प्लांट के हर एक पार्ट्स, इट्स अ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल सेल्स। और बच्चों आपको पता है सेल के बिना कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई सेल को, लेकिन आप कह रहे हो सर हमें तो दिखाई नहीं देता। यस, वी कांट सी सेल थ्रू आवर नेकेड आई, हम अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप, और ऐसा वैसा माइक्रोस्कोप नहीं, बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेल को हम किसके द्वारा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक, द साइंटिस्ट नेम वाज रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में क्या किया था, इन्होंने एक बार किया, आप देखते हैं पेड़ की छाल होती है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा तो उन्होंने देखा कुछ टाइनी पार्टिकल्स कंपार्टमेंट दिख रहे हैं उसमें, और इसको कंपेयर किया किससे, हनीकॉम्ब से, हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते से, उसमें भी उन्होंने देखा कि कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो इन्होंने कहा ये सब कंपार्टमेंट जो है, कई सारे कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या, सेल बोला एक कंपार्टमेंट, और जब ये कंपार्टमेंट का मतलब लिटिल रूम, यानी इस तरह के इन्होंने स्ट्रक्चर को देखा तो इन्होंने बताया कि ये सेल से मिलकर बना है। तो इस तरह से आगे और भी साइंटिस्ट आए, 1838 में क्या हुआ बच्चों, एक और साइंटिस्ट आए मैथायस स्क्वर्डन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया डिस्कवरी की ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया कि प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल, बट मैथायस स्क्वर्डन जो बॉटनिस्ट थे इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। और इसी तरह आगे एक साल के बाद में 1839 में थियोडोर स्क्वायर जिन्होंने ये बताया कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, जितने भी एनिमल्स हैं जितने भी जीव हैं वो सब किससे मिलकर बने, कोशिका से मिलकर बने। तो इस तरह से आगे आगे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने बताया डिस्कवर हुआ। और बाद में एक और साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चू, 1855 में इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी हमारी लाइफ जो है आप देख रहे हैं कि हमारी लाइफ किसी और सेल से डेवलप हुई है, हमारे पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स के सेल से हमारी बॉडी डेवलप हुई है बच्चों, यानी कोई ना कोई ऐसा प्री एग्जिस्टिंग सेल है
जो सेल डिवीजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। चाहे ह्यूमन बीइंग से आप देख रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग बेबी से फिर उसके बाद एक एडल्ट में आते आते आप देखते चले जाते हैं उसका स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है। किसके द्वारा? सेल डिवीजन होता है और इन्हीं बेसिस पे सेल थ्योरी दी गई, कोशिका सिद्धांत। पहली बात क्या हुई इस थ्योरी में? तीन बातें आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों? सेल इज द एक्सटर्नल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और बच्चों आपको बताएं कि सेल्स जो होती हैं वो डाइज होती हैं, यानी मरती हैं और रिप्लेस होती रहती हैं हमारे पूरे जीवन पर्यंत में। कंटिन्यूसली कुछ सेल्स डाइज होती हैं, फिर से नई सेल्स बनती हैं और फिर से वो आप नया सेल अराइज होता रहता है। जैसे आपको चोट लगती है आप देखते हैं वहां पे आपका और जो भी वुंड होता है वो बाद में भरता है, फिर आप देखते हैं कि वहां से आपकी डेड स्किन निकल जाती है। क्यों होता है? सेल्स जो होती वहां की वो डाइस हो जाती है फिर से रिन्यू हो जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारी बॉडी जो है वो सेल के द्वारा ही आगे बढ़ रही है। तो इस थ्योरी में आपको इन तीन बातों को याद रखना है, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और आपको बताएं कि जो सेल्स हैं इनके नंबर्स ऑफ सेल, क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है जैसे हम और आप हैं, हमारी बॉडी जो मिलकर बनी है वो कई लाखों की संख्या में कोशिकाओं से मिलकर बनी है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं, एक कोशिका से, जैसे आपका बैक्टीरिया है, जैसे आपका अमीबा है, ये सब एक कोशिका से मिलकर बने बच्चों, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स उनको हम एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कहते हैं, सिंगुलर या मल्टी सेलुलर। हम और आप मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय हैं, लेकिन अमीबा है, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव है। अगर हम बात करें सेल के साइज की, जैसे आपको बताया कि वी कैन नॉट सी द सेल थ्रू आवर नेकेड आई, लेकिन हमें सेल को साइज पे भी डिपेंड, कुछ सेल्स बहुत बहुत स्मॉलेस्ट होती हैं माइक्रोमीटर के, जैसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है 0.325 माइक्रोमीटर, और एक माइक्रोमीटर में कितना होता है आपको पता है? 10^-6 मीटर। लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो पाई जाती है वो नर्व सेल, यानी न्यूरॉन्स में जो आपका सेल है वो आपका क्या नर्वस सिस्टम किससे बेसिकली नर्व सेल है। लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सा? ऑस्टिच एग का, ठीक है बच्चों? आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइज के अकॉर्डिंग भी सेल डिवाइड कर सकते हैं उसे। सेल के शेप्स भी अलग अलग होते हैं बच्चों, ये नहीं कि एक ही प्रकार के सेल। आपकी बॉडी में अगर है सेल्स तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर अलग है, मसल्स टिश्यू जो है उनके सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में जो आपके पाए जाते हैं उसका कैसे है? सर्कुलर एंड बाई कॉनकेव है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स का जो शेप है वो अमीबॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कोई निश्चित आकार इस तरह से नहीं होता। इसी तरह से और भी है, पॉलीगोनल है, लॉन्ग है, क्यूबॉइड है, लॉन्ग नर्व है, आपका मसल्स है लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। तो आप देख रहे हैं कि सेल्स जो है उनका नंबर्स पे भी डिफरेंस है, साइज भी अलग अलग है, शेप भी अलग अलग है। तो सेल क्या है आपके लाइफ के लिए? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हमारे स्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी बॉडी ऑर्गन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसका अराइज कहां से? सेल से है। और फंक्शन भी जो करता है वो भी डिपेंड किस पे करता है? सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों? आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी आपको कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन है, और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, कोशिका विज्ञान के पिता इन्हीं कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको याद रखने की जरूरत है, फिर आपने देखा
कई अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने बात को बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मैथायस स्केल्टन ने, थियोडोर स्वान ने बताया एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, फिर रुडोल्फ वर्चुआ इन्होंने बताया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फिर इसी से सेल जड़ी बनी और आपने देखा इस तरह से सेल के नंबर साइज और शेप अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो है, सेल आप अगर आप स्ट्रक्चरली बात करें तो सेल इट इज अ टू एनिमल एंड प्लांट सेल, और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ताकि आपको समझ में और अच्छे से आए। थैंक यू क्लास आज के लिए, गॉड ब्लेस यू।